Look at this. प्रिटी ना, मतलब काफ़ी फाइन है, इसके मिस्ट भी काफ़ी फाइन है, फील सो गुड. मतलब आप जब 2.5 kg से 5 kg पर उठाना शुरू करते हो ना, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फील होता है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वे एवर यू आर. आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे जुलाई फेवरेट प्रोडक्ट्स की, और इस बार काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्लीज़ चाय, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न जो लेके बैठना आप लेके बैठ सकते हो, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है. आई हैव ब्यूटी, फैशन, मेकअप, ऑर्गेनाइजेशन, जिम एसेंशियल्स, बहुत सारी चीज़ें फीचर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो मेरी फेवरेट चीज़ होने वाली है जुलाई की, इट हैज़ टू बी जिमिंग. इट्स लाइक द बेस्ट थिंग दैट आई एवर डिड टू माई सेल्फ. मैं इतना टाइम से सोच रही थी मैं कुछ हेल्दी कुछ ज्वाइन करूंगी, जुम्बा कर लेती हूँ, बट जुम्बा क्या है, वो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी होती है, और मुझे डेली बेसिस पर हाई इंटेंसिटी भी कुछ नहीं करना, बिकॉज इट्स लाइक दैट इज मोर फॉर वेट लॉस. मुझे वेट लॉस नहीं करना, मैं ऑलरेडी पतली हूँ, मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे वर्क करना है, साथ साथ थोड़ा बहुत कार्डियो भी करना है. सो ज्वाइनिंग कल्ट वॉज लाइक द बेस्ट थिंग. सो कल्ट को मैं डेफिनेटली अपने मंथली फेवरेट में फीचर करने वाली हूँ. इट्स नॉट इन कोलैबोरेशन और स्पॉन्सरशिप विद देम, मैंने पूरी मेंबरशिप ली है. जो 2+3 का कुछ उनका पैकेज था वो मुझे मिला, 3+2 का मुझे पैकेज मिला है. सो नवंबर तक की मेरी कल्ट की मेंबरशिप है एंड आई एम लविंग इट. आप लोगों ने अगर मेरा डेली व्लॉग नहीं देखा, आप जाकर देख सकते हो, मैं नीचे भी लिंक कर दूंगी. मैंने उनकी डांस क्लास अटेंड करी है, पावर योगा अभी तक नहीं करी, लेकिन एक फ्यूजन फिटनेस की करी है. हमारे नॉर्मल जिम में भी काफ़ी अच्छी कार्डियो क्लासेस होती है. मैंने वेट्स उठाना शुरू किया एंड इट फील सो गुड. मतलब आप जब 2.5 kg से 5 kg पर उठाना शुरू करते हो ना, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फील होता है. सो डेफिनेटली जुलाई का मेरा फेवरेट जिम लाइफ होने वाला है. नाउ स्टार्टिंग विद बॉडी केयर कैटेगरी, जब से मैंने जिम जाना शुरू किया ना, एक चीज़ जो मेरी सबसे ज़्यादा यूजअप हो रही है ना, वो है बॉडी फ्रेग्रेंसेस. बिकॉज मैं भर भर के मिस्ट लगाती हूँ, फिर एक्सरसाइज करने के बाद भी मैं मिस्ट अप्लाई कर लेती हूँ, सो दैट जिम से कहीं बाहर जाओ तो इतनी गंदी स्मेल ना है. अगर आपने मेरा जून का फेवरेट वीडियो देखी होगी तो उसमें यही फीचर किया था, प्लम का हवाईन रूम्बा बॉडी मिस्ट, जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था. एंड इससे पहले भी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था वो था ये ट्रिपिंग मिमोसा. सो आई ऑलरेडी लव प्लम, सो व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी फॉर कोलैबोरेशन आई वाज लाइक व्हाई नॉट. सो दिस टाइम दे सेंड मी देयर EDPs, और ये मत सोचना मंथली फेवरेट है, उसमें हमने कोलैबोरेशन इंसर्ट कर दी. आई लव दिस ब्रांड, मैं हर मंथ इनके प्रोडक्ट्स का नई फीचर कर ही देती हूँ. दीज आर बेसिकली EDP. अगर आपको बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं है ना, वट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी मिस्ट एंड EDP, सो जो बॉडी मिस्ट होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते. लाइक जो प्लम के बॉडी मिस्ट हैं, दे लास्ट फॉर 3+ आवर्स, मतलब 3 से 4 घंटे के बीच में ये लास्ट करते हैं. एंड इसको आप डायरेक्टली अपनी बॉडी पर लगा सकते हो, पूरी बॉडी पर आप कपड़ों पर लगा सकते हो. मैं पर्सनली मिस्ट को कपड़ों पर लगाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ. वाइल जो EDPs होते हैं, EDP का फुल फॉर्म होता है ऑल द परफॉर्म्स, ये परफ्यूम्स होते हैं, ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है, और ये थोड़े से ही काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बिकॉज आपको खाली पल्स पॉइंट पर इसको लगाना होता है, आप मिस्ट की तरह इसको भर के नहीं लगाते. और प्लम के जो EDPs हैं, दे लास्ट फॉर 10+ आवर्स. गिफ्टिंग के लिए भी काफी क्यूट है, लाइक 295 अंडर बजट भी है. वो टीनेज फ्रेंड भी अपनी एक दूसरी फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहती है, गो फॉर दिस वन. दिस इज द न्यू लॉन्च, ये प्लम बॉडी लवन का एवरीथिंग प्लम. ऑफकोर्स प्लम को एक प्लम रेंज तो निकालनी ही चाहिए थी, इट्स लाइक कंपल्सरी. सो अब इन्होंने रेंज निकाली है एवरीथिंग प्लम. सो दिस इज हाउ द EDP लुक्स लाइक. मतलब इतनी लग्जूरियस और प्रिटी बॉटल है ना, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि 295 है तो आपको कुछ चीप या फिर वैसा मिल रहा है. इट लुक्स वेरी लग्जूरियस, ग्लास की बॉटल है. एंड द बेस्ट थिंग इज द स्प्रे. काफ़ी बार जो ऐसे वाली परफ्यूम बॉटल्स आती है ना, वो रोल ऑन फॉर्म में आती है, आपको ऐसे रोल ऑन लगाना पड़ता है. एंड काफ़ी बार ना मुझे रोल ऑन लगाना इतना अच्छा नहीं लगता है, फील लाइक जैसे दूर से स्प्रे कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा स्प्रे आता है. एंड सिंस ये EDPs हैं, ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ये परफ्यूम्स हैं एज कम्पेयर टू बॉडी मिस्ट, ये डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग है. ये 10+ आवर्स आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हैं. ज़्यादा ही लगाना बिकॉज ये साइज भी छोटा है ना, ये लंबा चलेगा, बिकॉज आपको खाली पल्स पॉइंट पे लगाना होता है. लाइक हेयर, एक स्प्रे यहाँ पे किया, एक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ बीच में, और यहाँ पे मैं कान के पीछे करती हूँ. आई लव द स्प्रे ऑफ दिस वन एज वेल. मतलब काफ़ी फाइन है, इसके मिस्ट भी काफ़ी फाइन है. मेरे पास एक दो ब्रांड के और बॉडी मिस्ट है, और उनकी जो मिस्ट निकलती है वो काफ़ी थिक निकलती है, ड्रॉपलेट्स काफ़ी ऐसा लगता है मुंह पे आ रहे हैं, बट इनकी मिस्ट काफ़ी अच्छी लगती है, इट्स लाइक वेरी फाइन. मेरा पर्सनल फेवरेट हवाईन रूम्बा इनकी पूरी रेंज में से, बिकॉज इट्स लाइक एवरीथिंग. हल्का सा मीठा भी है, हल्का सा एग्जेस्टी भी है, सो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इसकी खुशबू नहीं जाती. सो डेफिनेटली ट्राई हवाईन रूम्बा, 525 रुपीज़. और अगर आप डिस्काउंट लगाओगे, मेरा कोड वर्क करता है प्लम की वेबसाइट पे कशिका 15, उससे एक्स्ट्रा 10% ऑफ हो जाता है, कोई ना कोई डिस्काउंट भी चल रहा होता है. तो ये मिस्ट डेफिनेटली आपको अंडर ₹499 इजीली आपको मिल जाएंगे. एंड इफ आई टॉक अबाउट EDP, आई टोल्ड यू दे आर सुपर अफोर्डेबल फॉर ₹295 फॉर 15 ml ऑफ प्रोडक्ट. परफ्यूम है ना तो कम लगाना होता है, एंड इट गोज फॉर अ वेरी लॉन्ग वे. क्रुएल्टी फ्री, नास्टीज फ्री, 100% वीगन एज वेल. तो कहीं ना कहीं इसके इंग्रीडियंट्स काफी ज्यादा सेफ है, बिकॉज प्लम एज अ ब्रांड कंसनट्रेट्स मोर ऑन इंग्रीडियंट्स एज वेल. तो कहीं ना कहीं अगर बॉडी पे भी लगा लो ना, तो ऐसे इचिंग
या रैशेज नहीं होते काफी ब्रांड्स के, अगर आप परफ्यूम या कुछ भी ले लेते हो ना सस्ते वाले, वो काफी बार रेडनेस रैशेज दे देते हैं, लेकिन इनके साथ वो केस नहीं है. सो डेफिनेटली चेक देम आउट. माय होल रूम इज स्मेलिंग सो गुड. मतलब मैंने दो तीन वेरिएंट्स अभी स्प्रे करे ना वीडियो बनाने के लिए, और इतनी अच्छी खुशबू हो गई ना, बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब एक अजीब सी हैप्पीनेस से आती है जब रूम से अच्छी खुशबू आती है. बट मूविंग ऑन टू अदर फेवरेट प्रोडक्ट, सबसे पहले है मेरे पास ये वन थिंग का टोनर. इसको लेने के बाद मुझे समझ आया इस ब्रांड का नाम वन थिंग क्यों है. आई थिंक बिकॉज ये जो टोनर्स बनाते हैं ये एक ही इंग्रीडियंट बेस्ड होता है. आई नो इट लुक्स लाइक एन एल्कोहल पाउआ वाली बॉटल, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी गुड. ये मेरी करंट के ब्यूटी कैटेगरी का फेवरेट प्रोडक्ट चल रहा है. सो मैंने लिया था ये सेंट्रल एजाटिका का एक्सट्रैक्ट. दिस आउट लुक्स लाइक, यू कैन सी मैंने जुलाई मंथ में काफी यूज भी कर लिया है. मैं रेगुलरली नहीं यूज करती, जिस दिन मुझे लगता है मेरी स्किन अजीब सी क्लॉग्ड हो रही है, माइसल वाटर यूज कर लिया, फेस वॉश यूज कर लिया, फिर भी ऐसा लग रहा है स्किन पे क्लॉगिंग है या फिर मेरी स्किन बहुत ज्यादा रेड है. बिकॉज सीका जो होता है सेंट्रल एजाटिका, उसका काम ही होता है आपकी स्किन को काम डाउन करना, उसको शांत करना, जो रेडनेस है उसको थोड़ा सा कम करना, अच्छा सूदिंग वे में वर्क करता है. सो मैं उसी दिन इसको यूज करती थी, इसलिए इतना ही यूज अप हुआ है. ज्यादा मैं इसको डेली बेसिस पे यूज नहीं करती. सो जिस दिन मैं इसको एज अ क्लेंजिंग वे में यूज करती हूँ तो मैं कॉटन पैड पे लगा लेती हूँ, और जब मैं इसको एज अ सूदिंग वे में यूज करना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्टली डैप करके ऐसे पैड कर लेती हूँ. ऑल्सो दिस लाइक अ डीआईवाई स्किन केयर प्रोडक्ट. आप इसको अपनी मर्जी से इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो. लाइक आप थोड़ा सा पानी में मिक्स करके एज अ टोनर स्प्रे मिस्ट बना सकते हो, बिकॉज ये कंसनट्रेटेड है. इसके अंदर सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो सेंटला की ही है, और कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा कोई इंग्रीडियंट नहीं डाला हुआ. तो आप इसको डाइल्यूट भी कर सकते हो, या फिर आप अपने इसको फेस पैक्स में मिला के लगा सकते हो फॉर नाइस सूदिंग इफेक्ट. सो डेफिनेटली मल्टीपल वेज में यूज हो जाता है. मैंने अनदर के ब्यूटी ब्रांड प्रोडक्ट, ये इनिसफ्री का जेजू वॉल्गैनिक कलर क्ले मास्क. दिस आउट लुक्स लाइक, एंड इट इज लाइक अ वेरी गुई गुई सॉर्ट ऑफ ट्यूब, बिकॉज इसके अंदर लिटरली वो क्ले मास्क डला हुआ है जो ऐसे ऐसी ट्यूब में आता है. बट दिस इज रियली नाइस. मेरा काफी बार मन करता है कि मैं जबरदस्ती कोई एक्स्ट्रा लाइक केमिकल एक्सफोलिएटर कुछ ऐसा ही लगाना चाहती. आई जस्ट वॉन्ट अ सिंपल क्ले मास्क, ऐसे अप्लाई किया, अच्छा सा एक सूदिंग फील होता है, स्किन क्लेंस हो जाती है, और हटा लिया. उसके लिए मुझे काफी सही लगता है, और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. सो आई जस्ट शो यू कैसा लगता है ये. इसकी लिटरली जो मैं घर में मुल्तानी पैक बनाती हूँ ना, इसकी बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी है. इनफैक्ट लगाते वक्त भी ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वाले मुल्तानी पैक लगा रही हूँ. बट डेफिनेटली इट हैज़ बेटर इंग्रीडियंट्स जो थोड़ा सा और एक्टिवली वर्क करते हैं आपकी स्किन पे. अगर आपको भी लाइक ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा पोर क्लॉगिंग हुई हुई है, थोड़ा सा अपने आपको स्किन को काम डाउन करना है, मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर पहले, ताकि जब ठंडा ठंडा लगाओ ना और एक अच्छी कूलिंग सेंसेशन फील हो. सो ये जो जेजू वॉल्केनिक क्लस्टर से बनाया, दैट एब्जॉर्ब सीबम एंड डर्ट. सो इसका मेन यही काम है, ब्राइटनिंग के लिए. ये इनके बहुत सारे क्ले मास्क आते हैं इनिसफ्री के, मैंने जो लिया है ये ब्राइटनिंग वाला क्ले मास्क है, जिसको लगाते एक ब्राइटनिंग इफेक्ट फील होता है. अब ये मास्क लगा रहेगा, बिकॉज इसको हटाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं आसपास. बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो ये प्रोडक्ट मैंने काफी टाइम से सोचा होता कि मैं अमेजोन से लूंगी. मैं कार्ट में डालती थी फिर हटा देती थी, और बीच में डील आई इस पर तो नोटिफिकेशन भी आता है. जब आप अपने सेव्ड आइटम्स में भी रखते हो ना तो नोटिफिकेशन आता है कि उस पर डील आई हुई है, तो मैंने उसी टाइम ये ऑर्डर प्लेस कर दिया था. सो ये बेसिकली लैश ग्रोथ ऑयल है, जो ऐसे मस्कारा पैकेजिंग में आता है. मुझे ऐसी पैकेजिंग में प्रोडक्ट चाहिए था, बिकॉज रात को लगाते वक्त ना ऐसे फिंगर से लगाओ या खुद करो ना नहीं हो पाता. मैं पहले कैस्टर ऑयल लगाती थी, एलोवेरा लगाती थी, वो काफी बार आईज में चला जाता था, भर जाता था लैशेस पर. तो मुझे इसकी पैकेजिंग की वजह से मैंने मेन रीजन इसका ऑर्डर प्लेस किया था, बट आई लव्ड इट. यू कैन सी मैंने पूरे जुलाई मंथ में इसको कितना यूज कर लिया है. सो ये फ्रॉम द ब्रांड बेला वीटा ऑर्गेनिका, इसका नाम है ग्रो ब्राउ आई लैश एंड लैश ग्रोथ वॉल्यूमनाइजिंग ऑयल. सो ये लिटरली बिल्कुल मस्कारा की तरह आता है, और आप जब यहाँ से इसको ऐसे करोगे ना तो इसका जितना भी एक्सेस ऑयल होता है वो सारा यहाँ पे लाइक रह जाता है, अंदर चला जाता है. मतलब इसके वॉन्ड पे इतना एक्सेस ऑयल नहीं आता, खाली जो हल्का हल्का लगा होता है आप उससे इसको अप्लाई कर सकते हो. मैं डबल डिप करके फिर दोबारा एक कोट लगाती हूँ, एंड मैंने अपनी लैशेस पर अच्छा फर्क देखा है. बिकॉज जब हम शूट करते हैं ना, हम काफ़ी सारा मस्काराज लगाते हैं, और मस्कारा लगाने में अच्छा लगता है, दिखता भी बहुत अच्छा है, बट उसको हटाना एक टास्क होता है. आप ऑयल क्लेंजर ले लो, माइसल वाटर ले लो, आपकी लैशेस पर इफेक्ट पड़ता है. रेगुलर बेसिस पे मस्कारा लगाने से आपकी लैशेस की जो कहीं ना कहीं क्वालिटी है ना वो डिग्रेड होती होती है. सो मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं रात को इसको अच्छे से लगाऊं, सो देट मेरी लैशेस की भी अच्छी ग्रोथ हो. मैं नीचे लोअर लैशेस पे भी इसको लगाती हूँ, एंड मैंने थोड़ा बहुत रिजल्ट देखा है, इसलिए मैं इसको फीचर कर रही हूँ. अदरवाइज मैं पहले सोची थी गिमी की सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा, पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा. अगर आप मेकअप करते हो, आप मस्कारा काफी हैवी लगाते हो, सो प्लीज रात को ऐसा कोई ऑयल लगा के सोया करो, अदरवाइज आपकी लैशेस की क्वालिटी खराब हो सकती है. आपको अपनी रियल हेयर ग्रोथ पर भी वर्क करना चाहिए. जस्ट लाइक अपने बालों को तेल लगाते हैं ना, वैसे अपनी लैशेस का भी थोड़ा ध्यान रख लोगे तो सही रहेगा. और ये काफी यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट. कमिंग टू सनस्क्रीन, जुलाई मंथ में जो मैंने
सबसे ज्यादा सनस्क्रीन यूज करी है वो है ये डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड टिंटेड सनस्क्रीन जेल, जो एक फिजिकल सनस्क्रीन है जो टिंटेड है बेसिकली, एंड आई लव्ड इट. मैंने जस्ट अभी एक रिसेंटली वीडियो भी अपलोड करी थी एवरीडे मॉनसून सॉर्ट ऑफ मेकअप की, कि मॉनसून की ह्यूमिडिटी में आप मेकअप कैसे कर सकते हो फॉर ऑफिस एंड वर्क. मैंने एक सिंपल लुक क्रिएट किया था जो आप डेली बेसिस पे वर्क में भी करके जा सकते हो. मैं वो वीडियो कहने की ऊपर लिंक कर दूंगी, प्लीज आप देखना. उसमें मैंने यही यूज किया था बिकॉज आई लाइक इट. एक तो ये टिंटेड है तो व्हाइट कास्ट का इशू नहीं आता. सेकंड, इसका काफी अच्छा एक प्राइमर लाइक फील है. इसका जो कंसिस्टेंसी और जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल ऐसा मूस फाउंडेशन होता है ना जो सिलिकॉन जैसा फील होते हैं, इसका बिल्कुल वैसा टेक्सचर है. एकदम आपके फाइन लाइंस और जो पोर्स होते हैं उसको कहने के उसको फिलअप कर देता है. इसको लगाने के बाद मुझे प्राइमर लगाने की भी काफी बार नीड नहीं होती. यस, इट फील्स ऑन योर स्किन. ये एकदम वो वाला इनविजिबल फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज जब टिंटेड होता है फिजिकल सनस्क्रीन होती है, हल्का सा एक कोट आपको अपनी स्किन पर फील होता है. तो इसके बाद अगर आप इसको अच्छे से सेट कर लोगे ना तो एकदम सही रहेगा. बट आई रियली लाइक इट. मेरा डर्माको के साथ कोड भी है जो मैं नीचे लिख दूंगी, वो एफिलिएट कोड नहीं है, इट्स जस्ट इन कोलैबोरेशन. बट अगर आप एक प्रॉपर फिजिकल सनस्क्रीन देख रहे हो जो व्हाइट कास्ट ना दे, गो फॉर दिस वन, यू विल लव इट. नेक्स्ट अप, आई हैव 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम माय ग्लैम. जुलाई मंथ में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी ट्राइंग माय ग्लैम प्रोडक्ट्स, और उससे मैंने पूरी लुक क्रिएट करी थी. काफी सारे प्रोडक्ट्स तो मैंने खुद ही खरीद लिए थे माय ग्लैम से, बिकॉज मैंने एक दो बार शॉपिंग करी थी एंड आई रियली लाइक इट. और उसके बाद मतलब आयरॉनिकली ये बोलो या फिर इत्तेफाक बोलो, मुझे माय ग्लैम ने भी रीच आउट कर दिया था फॉर कोलैबोरेशन. सो वो वीडियो फिर मैंने कोलैबोरेशन में बना देती. सो उसमें 50% प्रोडक्ट्स मेरे खरीदे हुए थे एंड आई थिंक 20-30% प्रोडक्ट उन्होंने मुझे सेंड करे थे, तो मैंने मिला के वीडियो बनाई थी. एंड दीज 3 प्रोडक्ट्स आर लाइक माय फेवरेट फ्रॉम दैट वीडियो. मैं कॉन्स्टेंटली इनको यूज कर रही हूँ. सबसे पहले है ये के प्ले का लिप ग्लॉस. इट इज इन द शेड 05 पैशन फ्रूट क्रश. मैंने स्टार्टिंग में लगाया हुआ था और अब मैं खा चुकी हूँ. देखो लिपस्टिक की कोई गलती नहीं है, मैं लिपस्टिक लिप्स बहुत ज्यादा अपने खाती हूँ, बट आई लव दिस वन. मतलब लुक एट दिस प्रिटी ना. कल ग्लॉसी लिप्स का बहुत फैशन चल रहा है, सो अगर आप वेडिंग के लिए या थोड़ा सा और बबली बबली लुक के लिए देख रहे हो ना, बिकॉज ऐसा पिंक कलर लगाओ ना तो एकदम फेस ग्लो अप कर जाता है. आई एम लविंग इट. इसका कलर भी अच्छा है अपना, जो एक पिंक कलर आता है फिर ग्लॉसीनेस भी उस पर आती है. सो कहीं ना कहीं मिलकर दोनों का काम कर लेता है. मुझे अलग से लिपस्टिक और फिर ग्लॉस यूज करने की जरूरत नहीं है. एंड इट इज नॉट दैट स्टिकी वाला ग्लॉस. वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज ये वो ऐसे चिप 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 फील नहीं होता. थोड़ी देर बाद ये लिप्स में काफ़ी अच्छे से चला जाता है. हल्की सी एक शाइन फील होती है, हैवी फील नहीं होता. डेफिनेटली ट्राई देम आउट. माय ग्लैम पे तो हमेशा कोई ना कोई सेल लगती रहती है. मैं वो वीडियो नीचे लिंक कर दूंगी अगर आप पूरी वो वीडियो देखना चाहते हो. उसमें एक डिस्काउंट कोड भी था जो मैंने शेयर किया, आपको उस वीडियो में मिल जाएगा. सेकेंड प्रोडक्ट जो मुझे माय ग्लैम से बहुत पसंद आया, अगेन अ लिपस्टिक. ये माय ग्लैम की कलेक्शन है परफेक्ट कर्व्स मॉइस्चराइजिंग मैट लिप क्रेयॉन. सो ये ऐसे फॉर्म में आती है एंड द बेस्ट थिंग इज ये रिट्रैक्टेबल वाला क्रेयॉन है, बिकॉज मुझे इतनी मोटी पेंसिल को शार्प करना पसंद नहीं है. लुक एट दिस. मैंने कितनी यूज कर ली इस मंथ, मैंने लिटरली डर्टी कर दिया इसको, बट आई रियली लाइक इट. एक तो इसकी काफी अच्छी पॉइंटेड अभी शार्प ये जो एज आ रही है ना, इससे लिप्स काफी अच्छे से लाइन हो जाते हैं, तो मुझे एक लिप लाइनर यूज करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती. एंड दिस इज इन द शेड डेब्यूटांट एंड ओ माय गॉड सच अ प्रिटी शेड. लुक एट दिस, कितना प्यारा पिंक कलर है ना, जो बहुत सुंदर लगता है. मतलब ये लाउड नहीं लगता, एट द सेम टाइम डल भी नहीं लगता. काफ़ी बार पिंक लगा ना वो थोड़ा सा डल की साइड चला जाता है, बट इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऐसे वाला पिंक अगर मैं खाली भी लगा लेती हूँ ना और कोई आई मेकअप या कुछ नहीं करती, आई एम गुड टू गो, बिकॉज ये पिंक कलर ही पूरे फेस को ऐसा ग्लो अप कर देता है. आई रियली लाइक इट. आई थिंक अगर मुझे कुछ कैरी करना होगा ना, मैं यही करूँगी, बिकॉज लिप्स को शेप अच्छी मिल जाती है, फिर मैं फिलिंग भी कर लेती हूँ, मेरा दोनों का काम हो जाता है. एंड माई थर्ड फेवरेट फ्रॉम माय ग्लैम इज दिस माय ग्लैम लिट ग्लॉसी लिक्विड आई लाइनर. मैंने जस्ट अभी एक रील बनाई थी ऑन माई टॉप फेवरेट लिक्विड आई लाइनर. मैंने उसमें भी ये फीचर किया था. सच अ नाइस ब्लू कलर. इसका नाम है बर्थडे ब्लू. इसमें आपको ग्रीन कलर मिलता है, पर्पल, एकदम BTS वाला पर्पल कलर मिलता है. तो अगर आप भी BTS फैन हो तो आप इसका पर्पल भी ले सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा लाइनर है. आईज को स्टिंग नहीं करता, निकल ईजिली जाता है, बट एट द सेम टाइम स्टे काफ़ी अच्छा करता है. और इसका जो एक कलर है ना, इट्स वेरी प्रिटी. लाइक मैं तो जितनी बार डेनिम आजकल पहनती हूँ ना, कुर्ती डेनिम या कुछ भी पहनती हूँ, मैं यही लाइनर लगाती हूँ, बिकॉज काफ़ी अच्छा लगता है. एटलीस्ट वो ब्लैक वाइट लाइनर से थोड़ा बेटर लगता है. काफ़ी बार ब्लैक लगा लगा के ना पक जाते हैं, तो मुझे आजकल ये काफ़ी पसंद आ रहा है. इसमें पिंक कलर भी आता है, सो आई एम थिंकिंग मैं इसका पिंक कलर भी लूँ, बिकॉज पिंक लाइनर भी काफ़ी आजकल अच्छा चलता है. मतलब समरी समरी लुक देता है. सो दीज थ्री आर माई डेफिनेटली फेवरेट. उसके अलावा आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने और भी प्रोडक्ट फीचर किए थे, बट ये तो मेरे टॉप फेवरेट. टॉकिंग अबाउट लिपस्टिक, आई फाइनली हैव माई ड्रीम कलर विद मी, जो है मैक का मेहर कलर. हमारी इंडियन स्किन टोन पे जो एक हल्का सा एक ऑरेंज
अंडरटोन ब्राउन अंडरटोन आता है ना उस पर ये कलर बहुत अच्छा लगता है. सो आई जस्ट स्वॉच इट फॉर यू गाइस. दिस इज हाउ मैक मेहर लुक्स लाइक. वैसे तो रील देखना जाके सी. और ये जो मैक की लिपस्टिक्स आती है ना, मुझे पहले लगा ये सारी सेम आती है, बट ऐसा नहीं है. आप इनकी पैकेजिंग पे पढ़ सकते हो. मैक की जो ये मेहर शेड है ये मैट कलेक्शन है. जो और बाकी शेड आते हैं वो थोड़े से क्रीमी आते हैं. लाइक इनका जो ऑल फायर्ड अप कलर था वो रेट्रो मैट में आता है, तो वो और ज़्यादा मैट है. ये एक मॉडरेट सॉर्ट ऑफ मैट है. और इनके क्रीमी वाला फॉर्मूला भी आता है. जो मैक का मैंने मौका स्वॉच किया था वो थोड़ा सा क्रीमी और थोड़ा सा नरिशिंग वे में आता है. बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. लुक सो सो प्रिटी. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगर आप मेरे लिप्स का देखना चाहते हो स्वॉच तो आप उस रील में देख सकते हो या फिर शॉर्ट्स में. मैं नीचे लिंक कर दूंगी. यूट्यूब शॉर्ट्स नॉट रील. शॉर्ट्स मैंने डाला था, मैं नीचे लिंक कर दूंगी. आई ऑल्सो वांट टू फीचर दीज मेकअप ब्रशेज फ्रॉम मार्स. ये मैं हर मंथ फीचर करने वाली थी और मैं भूल जाती थी बिकॉज मैं इसको यहाँ पे स्टूडियो रूम में कॉर्नर में रखती हूँ. और मैं हर बार पता नहीं भूल जाती थी फीचर करना. फिर मुझे लगता था अरे यार ये तो फीचर करना था. ये मेरा इस मंथ का नहीं, दो तीन चार मंथ पहले का भी फेवरेट ही चल रहा है. मैं इसको इसी रूम में रखती हूँ. ये है मार्स का आर्टिस्ट आर्सेनल ब्रश सेट. मैंने इसकी पूरी एक डेडिकेटेड रील भी बनाई थी विच इज़ नॉट इन कोलैबोरेशन विद मार्स. मुझे पीआर में आया था लेकिन मुझे इतने अच्छे लगे ना, मैंने इसकी एक शॉर्ट रील भी बनाई थी. काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि कुछ अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेज बताओ जो हम सेट ले सकें. आई वुड से गो फॉर दिस वन. ये आपको मार्स की वेबसाइट पर 999 समथिंग रुपीज़ का मिल जाएगा. मेरा मार्स पे कोड भी लगता है कशिका 10 विच इज़ एन एफिलेट कोड. आई एम क्लियरिंग इट आउट. उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. प्लस मार्स की वेबसाइट पर और भी डिस्काउंट चलते रहते हैं. ग्रैब दिस वन. इट लुक सो लग्जूरियस बाय द वे. और जो मेरा फेवरेट ब्रश है ना वो है ये वाला. ये तो मतलब ऐसा ब्रश मेरे पास कभी था ही नहीं. इसका बहुत अच्छा एक डोम शेप एप्लीकेटर है. कैन यू सी. इसको मैं अपने लिप एंड चीक जो टेंट्स होते हैं उसमें भी डिप कर लेती हूँ या फिर खाली उसको ऐसे ब्लश लगाने के लिए भी. इससे बहुत अच्छे से ब्लश लगता है बिकॉज मेरा थोड़ा सा ना फेस छोटा है तो जितने ब्लश वाले बड़े बड़े ब्रशेज आते हैं ना वैसे फैल जाते हैं. लेकिन इसका जो एक डोम शेप सॉर्ट ऑफ एक शेप है ना पूरी, ये काफ़ी सही रहती है. ऐसे करके मैं ब्लश या फिर ऐसे करके हाईलाइटर भी लगा सकती हूँ. आप वो रील देखना जाके, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी. मैंने उसमें पूरा समझाया है कि मैंने किस पर्पज़ के लिए कौन सा ब्रश यूज़ किया है. 60 सेकेंड में आपको पूरा उसमें समझ आ जाएगा. दीज आर वेरी नाइस. आई थिंक लग्जरी इन बजट अगर मैं बोलूँ ना, इट हैज़ टू बी दीज ब्रशेज. एंड फाइनली कमिंग टू लास्ट टू प्रोडक्ट्स. उसमें सबसे पहला है फैशन का एक प्रोडक्ट. वैसे फैशन का नहीं है, मेरा एसेंशियल है. वो है ये जिम बैग. जिम ज्वाइन करने से पहले ही मैंने ये ऑर्डर कर लिया था. अगर आपने मेरा अमेजोन का जिम हॉल नहीं देखा प्लीज़ देखो, मैं नीचे भी लिंक कर दूंगी. मैंने उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स फीचर किए हैं जो जिम जाने के लिए आपको चाहिए होते हैं. फॉर गर्ल्स लाइक स्पोर्ट्स ब्रा, जिम टाइट्स, टीज एंड ऑल. और उससे मैंने ये बैग भी परचेज किया था. दिस इज सो 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 यूजफुल. इसमें लिटरली मेरी पूरी दुनिया आ जाती है. मैंने प्रॉमिस किया आपको यूट्यूब शॉर्ट्स दूंगी व्हाट इज इन माय जिम बैग की. वो मैं डेफिनेटली शूट करके अपलोड करूंगी सून. बट दिस इज रियली नाइस. अगर आप जिम के लिए कोई अच्छा बैग देख रहे हो ना तो आप डेफिनेटली ले सकते हो बिकॉज इसकी क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई. माय सेकंड फेवरेट हैज टू बी दीज लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर थिंग. इसका मैं डेफिनेटली एक और सेट लेने वाली हूँ. इसकी मैंने वीडियो बनाई थी. मैंने अमेजोन के बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स की एक वीडियो भी रिसेंटली लास्ट वीक अपलोड करी है. उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स फीचर किए हैं और ये सबसे सस्ता था. ये 250 रुपीज़ का आपको अमेजोन से मिलता है. एंड आई एम सॉर्टेड. मेरी पहले इतनी ज़्यादा लिपस्टिक गिरती थी ना बिकॉज मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो काफ़ी टीनी टाइनी है और अब मेकअप बहुत ज़्यादा हो चुका है तो लिटरली सब कुछ गिर रहा होता था. मैं पीछे से कोई लिपस्टिक निकालती थी, आगे वाली गिर जाती थी, दो तीन एक साथ नीचे गिर जाती थी. अब जब से मैंने लगाया ना एकदम सेट हो चुका है सब कुछ बिकॉज कुछ भी अपनी जगह से गिरता नहीं है. डेफिनेटली इसका पैक ऑफ टू लेने वाली हूँ बिकॉज पैक ऑफ टू पे बेटर आपको डील मिलेगी एज कम्पेयर टू जस्ट वन जो 250 रुपीज़ का आता है. मेरे पास अब और भी बहुत सारी लिपस्टिक है तो मैं इसको अपने ड्रॉअर में भी लगा सकती हूँ. दिस आर वेरी नाइस. क्वालिटी बहुत अच्छी है, सस्ते भी हैं एंड अफोर्डेबल भी हैं. सो डेफिनेटली चेक इट आउट फ्रॉम अमेजोन. सो दीज आर माई जुलाई फेवरेट. सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. प्लस आपको ये प्लम के परफ्यूम एंड EDP के लिंक्स भी मिल जाएंगे. परफ्यूम EDP एक ही बात होगी, EDP एंड बॉडी मिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे. आई पर्सनली लव देम. मंथली फेवरेट में आपको पता है मैं कोलैबोरेशंस नहीं लेती. मैं अपनी मंथली फेवरेट को काफ़ी ऑर्गेनिक रखना प्रेफर करती हूँ. बट सिंस आई लव दिस ब्रांड और एनीहाउ मैं इनकी EDP फीचर ही करने वाली थी बिकॉज लास्ट मंथ जब मैंने मिस्ट खुद से फीचर किया था मेरा मन था इनके EDP ट्राई करने का और मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आए हैं. सो डेफिनेटली दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन बट 100% ऑर्गेनिक फ्रॉम माय साइड आई वुड से. सो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो प्लम की वेबसाइट से. मेरा कोड लगता है कशिका 15 फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ. आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. सबके लिंक्स मिलेंगे, डिटेल्स मिलेंगे एंड दैट इज इट फॉर डेज वीडियो. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. काफी सारे प्रोडक्ट्स तो आप मेरी स्टोरीज में ऑलरेडी देख ही लेते हो बिकॉज मुझे जो जो पसंद आता रहता है मैं उनकी स्टोरीज ऑर्गेनिकली भी फीचर करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ. सो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स एज वेल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.